प्रणाम गुरुदेव प्रणाम मेरा नाम एविन है और मैं मैं का हूँ um, मेरा क्वेश्चन है कि भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग में um, लोग कहते हैं कि ये कलयुग में भक्ति मार्ग के के अगर डायरेक्शन में टाइम कम लगता है वो सच है और नहीं है क्या भक्ति मार्ग में टाइम कम लगता क्या यही हाँ मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अच्छा हाँ मोक्ष प्राप्ति करने का भक्ति मार्ग का पूछ हाँ, हाँ। कलयुग में हाँ कलयुग शब्द जो प्रयोग किया हाँ अगर मैं कहूँ क्या भक्ति मार्ग क्या योग ये समाधि वाला मार्ग जो ये है अन्य योग हैं वैसे भक्ति स्वयं अपने आप में योग है भक्ति योग कर्म योग ज्ञान योग कुंडलनी योग राज योग नाद योग हठ योग क्रिया योग कई मार्ग हैं सभी मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं अब आ जाएं जो आपका प्रश्न है जो ये मार्ग है योग वाले हठ योग नाद योग सहज ध्यान योग ये मार्ग सीधे तीर की तरह बिल्कुल डायरेक्ट चलते हैं यानी जल्दी थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि कठोर नियमों का पालन करता है अभ्यासी और उसके चित्त के संस्कार जल्दी समाप्त हो जाते हैं कि लगा ही रहता कठोरता से भक्ति मार्ग थोड़ा देर में होती है घुमा के है लेकिन देर से जाते हैं क्योंकि वो लोग इस तरह के नियमों का पालन नहीं करते हैं कि हमें सात्विक भोजन करना यानी करना कि नहीं करना उन्हें जो मिर्च वाला मिल गया तो वो भी खा लिया तला हुआ मिल गया यानी उन्हें शिकायत नहीं है जो मिल गया वो खा लिया उन्हें प्राणायाम से मतलब नहीं है मंत्र जाप से मतलब नहीं है चित्त की शुद्धता अशुद्धता से मतलब नहीं है उन्हें अगर मतलब है तो सिर्फ़ एक से कि ईश्वर का ही चिंतन करते हैं और वो दूसरे का चिंतन भी नहीं करते हैं यानी सोचते भी नहीं हैं थोड़ा मार्ग घुमा के है देर से है योग मार्ग सीधा है जल्दी है इसको एक और कह देते ये बेहंगम मार्ग है बेहंगम शब्द शायद ना सुनाओ जो पक्षी ऊपर उड़ता है ना पक्षी तो नीचे जो पहाड़ खाई नदी नाले होते हैं उनसे उन्हें मतलब ना तीर की तरह ऊपर मतलब पक्षी ऊपर से उड़ता हुआ चला जा रहा है आसमान बस ऐसा समझो योग तेज़ गति से और जल्दी पहुंचा देता साधक अगर चाहे तो वो सामर्थ्य रखता है योग मैं योग मार्ग की बात कर रहा हूँ जो ये सही ध्यान योग कुंडल योग नाद योग राजयोग वगैरह ज्ञान योग, योग होता वो अपने जन्मों को जल्दी प्रभावित कर सकता कम कर सकता उसमें कठोरता के साथ चित्त के जो चित्त पर जो संस्कार है विद्यमान नष्ट कर सकता है लेकिन भक्त ये सब चीज़ें सोचता ही नहीं है उसका विषय ही नहीं मतलब ध्यान नहीं देता वो सिर्फ उसे भगवान की याद करनी क्या है क्या नहीं उसकी योग्यता किसी भी समय चाहे उसने दस साल से भक्ति कर रहा हो चाहे पचास साल से कर रहा हो उसे योग्यता पर भी ध्यान नहीं देना है ठीक है और उसमें पता भी नहीं लगता है कि वो किस अवस्था को प्राप्त है और ये जो योग मार्ग है जैसा कि मैं बोलता हूँ दूसरे भी योगी बताते हैं पुस्तकों में और वगैरह मिल जाएंगे उसमें हर जगह कि आपकी योग्यता क्या जैसे मैंने सुबह कहा भैया जरा जल्दी, जल्दी जल्दी बता देना कि आपका प्राण कहाँ जा रहा है मतलब प्राण की स्थिति क्या है ताकि मुझे जल्दी से समझने में आए टाइम ज़्यादा खर्च ना हो कि अगर मैं बार बार देखूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा खुद ही बता दूँ ये कलयुग में भी वही है हाँ मैं बता देता हूँ ये दोनों के लिए फार्मूला फिट होता है कि कलयुग में जल्दी हो जाता है कलयुग को हम सभी बुरा कहते हैं क्योंकि अधर्म का योग है लेकिन इसकी एक श्रेष्ठता है कि ये जो भक्त होते हैं ये जो योगी होते हैं ना इन्हें वास्तव में इन्हें बड़ी जल्दी आगे का मार्ग मिल जाता है। होता ये है। कि यहाँ के इस समय वर्तमान में या जो कलयुग का जो समय चलता है तो लोग अधर्मी होते हैं ऐसे अधर्मी लोग या अधर्मी समाज भक्त का या योगी का विरोध करता है अवरोध डालता है और ये ऐसे लोगों को यानी ऐसे अभ्यासियों के लिए एक अच्छी बात है जितना अवरोध करोगे जितना परेशानी परेशानी उसे मिलेगी अभ्यासी को उतना जल्दी क्योंकि उसके कर्म नष्ट होते इस रूप में ठीक है तो इसलिए कलयुग के लिए कहा गया है कि जल्दी से उसे अपना लक्ष्य मिल जाता है और यही बात अगर मैं सतयुग त्रेता द्वापर करूँ तो उन्हें कोई छेड़ता नहीं है योगियों को भक्त को कौन छेड़ेगा क्या मुसीबत लाएगा क्या वो तो उस समय जो उनका शब्द निकल गया उसके साथ वही हो जाएगा हम अगर शास्त्रों को पढ़ें तो मिल जाएगा आ, जैसे आ, मुझे नहीं पता आप शास्त्र कितना जानते हैं राम को तन, राम का नाम सुना होगा उनकी पिताजी दशरथ उनको भी एक साधारण ही व्यक्ति ने श्राप दे दिया था ठीक है उदाहरण दे रहा हूँ श्रवण कुमार के माता पिता तो ने श्राप दे दिया तो राजा दशरथ जो किसी समय चक्रवर्ती राजा और उनके द्वारा ब्रह्म का सगुण ब्रह्म आ, यानी क्या नहीं अवतार होना था तो उन्हें भी श्राप झेलना पड़ा कहने का मतलब कि उस समय जो होते थे पुरुष तो इस तरह का यानी एक दूसरे को परेशान नहीं करते थे तो कुछ नहीं करते थे और किया जिसने तो उसका तय था चाहे वो राक्षस रहा हो चाहे मनुष्य रहा हो मगर कलयुग में ऐसा नहीं होता कोई भी आदमी किसी को भी गाली दे दे दुर्व्यवहार करे छीन ले जपड़ ले कहीं कुछ नहीं होता और ये और कहेंगे अगर बहुत बड़ा भक्त है तो मेरा कुछ करके दिखाए बहुत बड़ा योगी है तो मेरा करके दिखाए करे मेरा कुछ बिगाड़े भैया तो नहीं बिगाड़ सकता कुछ है। समझ गए यानी कर्मों का नाश कलयुग में अभ्यासियों के लिए वरदान जैसा है यानी बड़ी जल्दी नाश होता है इसलिए कलयुग अच्छा है For watching, remember to like, comment, and subscribe.